मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी, अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी, विपिन कुमार जैन, डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA, अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA, विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार, राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन, श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई, गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात, श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश, दिवंगत मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84 मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान, श्रीमती शांति देवी पाटनी पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर, श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र, तज्जयति परम ज्योतिः, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पणतलैव सकुला प्रतिफलति पदार्थमालिका, यत्र पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पुरुषा सिद्धि उपाय में हिंसा से बचने के लिए किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, इसकी चर्चा चल रही है। अभी तक चर्चा हुई मद्य, मांस और मधु की। अब सामान्य से आचार्य अगला श्लोक और दे रहे हैं। मधुमद्यम नवनीतम, मधुमद्यम नवनीतम, पिशितम च महाविकृतयस्ताः, पिशितम च महाविकृतयस्ताः, वल्भ्यन्ते न व्रतिना, वल्भ्यन्ते न व्रतिना, तद्वर्णाजन्तवस्तत्र, तद्वर्णाजन्तवस्तत्र। बोलिए। मधुमद्यम नवनीतम, पिशितम च महाविकृतयस्ताः, वल्भ्यन्ते न व्रतिना, तद्वर्णाजन्तवस्तत्र। मधु शहद, मध्यम शराब, नवनीतम माने मक्खन, और पिशितम माने मांस, ये महाविकृतयः, ये अत्यंत विकारी करने वाले हैं। विकृतयः अर्थात ये महान विकृतियां हैं। व्रतिना व्रति जीव, ताह न बलव्यन्ते, उनको उन चारों को नहीं बलव्यन्ते, खाते हैं, सेवन करते हैं। बलव्यन्ते खाते माने सेवन करते हैं, नहीं व्रती लोग। ताह उनको, इन चारों को, व्रतिना व्रती लोग
ना बलव्यंते, सेवन नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं। क्यों? तद्वर्णा उसी रंग के जंतवः जीव जंतु तत्र वहाँ पाए जाते हैं। इन चारों वस्तुओं में इन्हीं रंग के जीव भरे हुए हैं, महाविकृति करने वाले हैं। जीव हिंसा भी है, परिणामों को विकारी विकारी बनाने वाले भी हैं। इसलिए ये चारे वस्तुएं जो हैं, ये जो व्रती लोग हैं उनके द्वारा खाने योग्य नहीं है। मध्य मांस मधु के साथ यहाँ मक्खन को और क्यों मिला दिया गया? जो वस्तुएं महान जीव हिंसा की कारण है, विकृति को भी पैदा करती हैं, उनमें मध्य मांस मधु तो आते ही हैं, साथ में एक नवनीत माने मक्खन भी आता है। मक्खन का प्रयोग आजकल तो घर घर में होता है। लोग बाग बाजार गए, मक्खन की टिक्की, इसकी उस कंपनी की, अमूल की, इसकी उसकी, सब ले आते हैं खरीद के। कभी ये तो सोचिए, ये बनता कैसे है, इसकी मर्यादा कितनी है। कच्चे दूध से अगर मक्खन निकाला गया या दही बिलो के जो लोनी निकाली गई, अगर वो उसको एक अंतर्मुहूर्त के लिए आप छोड़ दें तो उसमें अनंत जीवराशि पैदा हो जाती है, असंख्यात त्रस पैदा होते हैं, एक एक त्रस के साथ अनंत स्थावर निगोदिया और पैदा हो जाते हैं। तो क्या मक्खन बिल्कुल नहीं खाए? मक्खन निकलते ही खा ले तब तो ठीक है, अगर रखा तो रखने के लिए उसकी मर्यादा नहीं, अंतर्मुहूर्त में अवक्ष हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसमें मक्खन के ही रंग के और जीवाणु तमाम पैदा हो जाते हैं। अब सोचिए, बाजार में जो मक्खन आपको मिल रहा है वो कितने दिन का रखा हुआ है? महीने का, दो महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का, कोई हिसाब नहीं। और आप बाज़ार से ले आए 4 टिक्की, आपने अपनी फ्रिज में रख दी, आपने फिर उसको महीने भर 15 दिन और रख लिया, कितना अवक्ष, कितनी जीवराशि उसमें पैदा है। आचार्यों ने लिखा है, नवनीत तो मांस का डेला ही है। क्यों? जीवराशि भरी पड़ी है, सुई के बराबर भी मक्खन निकालोगे ना, उसमें भी अनंत जीवराशि है। ऐसी वस्तु कैसे खाएं? ये महान विकृतियां करने वाली हैं चारों वस्तुएं। और इनमें विशेष बात, इनमें इन्हीं रंग के कीड़े पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, इसलिए इनका भक्षण त्यागने योग्य है। इन चारों से क्या विकृतियां पैदा होती हैं? भगवती आराधना का एक श्लोक मेरे सामने है, उसमें लिखा है, चतारि महाबेड़ियो, ये चारों महाविकृति हैं, होंति नवनीद मज्ज मंस महु, शराब मांस मधु और मक्खन। ये क्या विकृति करती हैं भगवती आराधना? आचार्य शिवकोटी महाराज लिख रहे हैं, कंखा पसंग दप्पा संयमकारियो एदाओ, अर्थात जो मद्य माने शराब है ये तो काम पैदा करता है, स्त्री के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। जो मधु है वो असंयम उत्पन्न करता है। तीसरा जो मांस है वो मद उत्पन्न करता है, और मक्खन गृद्धता उत्पन्न करता है। और ये चारों चीज़ें महान विकृति हैं, आत्मा को संसार में ढकेलने वाली है। इन चारों को खाने से परिणामों में तमाम विकार आता है। इसीलिए जो इनके भक्षण करते हैं ना, उनसे धर्म की बात करो, उनको रंच मात्र नहीं सुहाती। क्यों नहीं सुहाती? कि इन चीज़ों का भक्षण करते हैं। स्वयं आचार्य अमृतचंद स्वामी आगे लिखेंगे, जो इन चीज़ों का त्याग करने वाला नहीं है उसको भगवान के वचन सुनाना बेकार है, वो पात्री नहीं है इनके भगवान के वचन सुनने का। क्यों? जब तक इनको नहीं छोड़ेगा तब तक उसके दिमाग में ये भगवान के वचन आएंगे, प्रवेश ही नहीं करेंगे।
इसलिए उन्होंने लिखा महाविकृतयः, ये महान विकृति करने वाले हैं, इसलिए इन चारों का त्याग करना चाहिए। पंडित जी, इस श्लोक में तो इन चारों का निषेध वृत्तियों के लिए है, हमारे तो कोई व्रत नहीं है अभी, तो क्या हम इनका उपयोग कर सकते हैं? आपको हिंसा से बचना है कि नहीं? बचना है, फिर शराब का सेवन कैसे करोगे? सोचो, मांस का सेवन कैसे करोगे? मधु कैसे खाओगे? मक्खन कैसे खाओगे? नहीं खा पाओगे। व्रति के लिए बचने का मतलब तो ये है कि जो व्रति है वो इनका नियम ले और इनमें अतिचार भी ना लगने दे। व्रति क्या करेगा, जैसे मान लो मांस भक्षण नहीं करेगा, लेकिन अब जो मर्यादा के बाद का आटा है, ये दूध है, दही है, पानी है, इनका भी सेवन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके तो व्रत है, इसलिए वो तो इनका संपूर्ण रूप से त्याग करेगा। आपको क्या करना है, आपको मद्य मांस मधु और मक्खन इनका स्थूल रूप से त्याग करना है। मैं इनका प्रयोग नहीं करूँगा। अब कितना नहीं करूँगा ये आपके ऊपर है। आप ये कर सकते हैं, भाई दवा में ले लूँगा, ऊपर मालिश वगैरह करानी होगी तो ले लूँगा, यहाँ तक ले सकता हूँ, खाऊँगा नहीं, ऐसा भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तो ये है, इन चार वस्तुओं का किसी रूप में बिल्कुल सेवन ना करें। मद्य मांस मधु की तो कोई मर्यादा है ही नहीं, तो क्या मक्खन की थोड़ी बहुत मर्यादा है? अगर आपने पहले तो मर्यादित दूध लिया हो, क्या मतलब, दूध अपने सामने कड़वा के लाए और उसको लाके तुरंत आपने गर्म कर लिया, अंतर्मुहूर्त में दूध ओंट गया तो दूध ठीक हुआ। उसके बाद आपने उसका दही जमाया, दही भी आपने शुद्ध रीति से जमाया, नारियली से जमाया, मुनक्कों से जमाया, लाल मिर्च से जमाया, मार्बल से या चांदी के सिक्के से जमाया, तो दही बिल्कुल ठीक जम गया। अब उस दही को आपने बिलो के और उसमें से मक्खन निकाला, तो यदि निकलते हुए ही मक्खन का सेवन आपने कर लिया तब तो भक्ष्य है। अगर आपने उसको उठा के रख दिया और अंतर्मुहूर्त के बाद भक्षण किया तब तो उसमें अनंत जीवराशि पैदा हो जाएगी, ऐसा नियम है। इसलिए मद्य मांस मधु का तो नियम ही नहीं, क्योंकि उनकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति दूषित है, उसकी तो कोई मर्यादा ही नहीं, उसमें जीवराशि भरी पड़ी है। मक्खन में केवल अंतर्मुहूर्त का टाइम आपको मिलता है, वो भी कब, जबकि दूध सही हो और दही भी आपने ठीक जमाया हो। दही तो बिना बैक्टीरिया उत्पन्न हुए बनता ही नहीं, तो फिर दही से बनाया हुआ मक्खन कैसे उपयोगी होगा? आजकल सामान्य जन में ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, सबकी यही मान्यता है, साइंस कहता है कि बिना बैक्टीरिया पैदा हुए दही जम ही नहीं सकता। लेकिन उनको ये भी मालूम होना चाहिए, साइंस के पास दही जमाने की सही पद्धति ही नहीं है। आज विश्व में जितनी भी जगह दही जमता है ना, वो जामन से ही जमता है, और जामन से जब दही जमाया जाएगा, दूध में जामन डाला जाएगा और जब दही जमाया जाएगा तो उसमें तो जीवाणु होंगे ही होंगे, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन जैन आगम में जब कोई व्यक्ति समाधि कर रहा होता है, अंतिम समय होता है, बड़ी पवित्र अवस्था में है, उस समय भी इसको छाछ पिलानी चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है। तो क्या शास्त्रों में ऐसा इसलिए लिखा है कि जीवाणु वाली छाछ उसको पिलाओ? सोचो, क्या मरते समय तक समाधि में जो जीव है उसको क्या जीव भक्षण कराए जाएंगे? कभी नहीं कराए जाएंगे। फिर कैसे बनेगा दही? आप नारियल के खोपड़े के कड़े वाले हिस्से से जमाओ, बादाम से जमाओ, मार्बल के पत्थर से जमाओ और उसको विधिवत जमाएंगे तो दही जमेगा और जीवाणु नहीं पड़ेंगे। मैंने स्वयं प्रैक्टिकल करके ये देख लिया,
एक पैथोलॉजिस्ट के पास ले जाके मैंने वाकायदा ट्राई करा लिया और मैंने देख लिया, नहीं बिल्कुल नहीं, जो शुद्ध रीति से जमा हुआ दही है ना उसमें जीवाणु नहीं होते। मैंने खुद ट्राई किया है और मैं लेके गया हूँ। इसलिए जैन आगम में जो लिखा है ना उस पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं, हाँ शुद्ध विधि जानने की ज़रूरत है। आपने बादाम से दही जमाया, अब बादाम से दही जमा, अब आपने वो बादाम निकाले दूसरे दूध में डाल दिए, तो क्या हुआ, वही आपके दही का जामन उसमें लग गया, उसमें जीवाणु होंगे इसमें कोई शक नहीं। फिर क्या करें, चार चार बादाम के चार ढेर बनाएं। आज पहला ढेर आपने यूज़ किया, कल दूसरा ढेर यूज़ किया, परसों तीसरा यूज़ किया, चौथे रोज चौथा यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद उनको बिल्कुल धो के और सूखने के लिए रख दिया। जब वो ड्राई हो जाए तब उन्हें उपयोग में अगर लेंगे ना तो दही भी अच्छा जमेगा और जीवाणु भी नहीं पड़ेंगे। जैन शास्त्रों की विधि को कोई काट नहीं सकता, ये सर्वज्ञ के वचन हैं, साइंटिस्टों के नहीं। साइंटिस्ट प्रमाणिक नहीं होते, सर्वज्ञ प्रमाणिक होते। अष्टमूल गुण में मध्यमास मधु और पांच उदम्बर फलों की चर्चा हुई थी, तो मध्यमास मधु की चर्चा तो हो गई, अब थोड़ी उदम्बर फलों की चर्चा की जानी है। अगले श्लोक में वही चर्चा हुई है। योनिरुदुम्बर युगमम् प्लक्षण्यग्रोध पिप्पल फलानि प्लक्षण्यग्रोध पिप्पल फलानि त्रसजीवानां तस्मात् तेषां तद्भक्षणे हिंसा। बोलिए, योनिरुदुम्बरयुग्मं प्लक्षण्यग्रोधपिप्पलफलानि त्रसजीवानां तस्मात् तेषां तद्भक्षणे हिंसा। योनिहि उत्पत्ति स्थान है, उदुम्बर उदम्बर फल, युग्मम माने दोनों, क्या मतलब, उमर और कठूमर, इन्हें कहते हैं उदुम्बर, उमर और कठूमर, और प्लक्ष अर्थात पाकर, न्यग्रोध माने बड़, पिप्पल माने पीपल के फल। कौन कौन से फल लिए, दो तो लिए इन्होंने उदुम्बर युग्मम, दो उदुम्बर, उमर और कठूमर, इसके अलावा प्लक्ष पाकर, न्यग्रोध बड़, और पिप्पल माने पीपल, इनके फल। ये त्रस जीवानाम तस्मात्, ये त्रस जीवों के योनि ही उत्पत्ति स्थान है। ये जो पांच जो उदम्बर हैं ये त्रस जीवों के योनि ही उत्पत्ति स्थान हैं। इनमें निरंतर त्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। तस्मात् इसलिए तद्भक्षणे इनके भक्षण करने में, तेषां मतलब उन जीवों की, उन त्रस जीवों की हिंसा होती है। ये सभी उदम्बर फल ना तो देखने में आते हैं और ना खाने में आते हैं, इनको कैसे समझें? आपके घर के आसपास कोई बड़ का पेड़ तो होगा, जब उस बड़ के पेड़ में फल लगे और जब वो बड़ के फेल के जो फल हैं वो नीचे गिरें, जरा एक फल को उठाएं और तोड़ के देखें। आपके घर के आसपास पीपल के वृक्ष तो होंगे, पीपल के वृक्ष में फल तो लगते हैं, जब उसका फल लगे और टूट के नीचे गिरे तब आप उसको तोड़ के यूँ देखें, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे।
थोड़े से छोटे से फल में और लाखों जीव ऐसे भरे रहते हैं जैसे हिसाब नहीं, जैसे किसी ने ठूस के भर दिए हों, ऐसे भरे रहते हैं। क्यों भरे रहते हैं? क्योंकि ये फल त्रस जीवों की योनि उत्पत्ति स्थान है, इनके अंदर ऐसी सामग्री है जो त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। हमारे घर के बाहर एक बड़ का पेड़ है, एक बार मैं जा रहा था तो एक नीचे गिरा, मैंने उसको उठा के तोड़ा, जब मैंने तोड़ा मैं दंग रह गया। उसमें छोटे छोटे चींटी से कुछ बड़े जीव इतने, जैसे समझे बहुत छोटे छोटे इतने जीव भरे हैं और इतने छेद होते हैं उसमें, बस पूछे नहीं, बहुत हजारों। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि ये जो फल है पांचों, ये त्रस जीवानाम योनि ही, त्रस जीवों के उत्पत्ति स्थान है, इसलिए इनके खाने में उन जीवों की हिंसा होती है, बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। और जो फल हैं ऊमर और कठूमर और पाकर, ऊमर और कठूमर तो नहीं लेकिन पाकर जंगलों में देखने में आते हैं। आजकल भी बाज़ार में जहां अन्य बिरादरी के लोग होते हैं वो इन्हें खाते हैं तो बाज़ार में मिल जाती हैं, लेकिन जैनियों में इनके भक्षण का प्रचार बिल्कुल नहीं है। फिर भी कभी अवसर मिल जाए तो इनका सेवन ना करें। पंडित जी, इन फलों में त्रस जीवों की उत्पत्ति कैसे हो जाती है? इन फलों के अंदर का जो वातावरण है, जो इनकी बनावट है, वो बनावट ही ऐसी है जो उन जीवों को उत्पत्ति के योग्य सब कुछ प्रदान करती है। मक्खन है, मक्खन निकला तुरंत जीव उसमें कैसे पैदा हो गए? निकलते ही मक्खन में ऐसा वातावरण, ऐसा योनि स्थान बन जाता है कि उसी रंग के, उसी जाति के तमाम जीव उसमें पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार ये फल जो हैं अंदर से गीले और गूदेदार होते हैं और उन गूदेदार जीवों में, उनमें अपने आप इन जीवों की उत्पत्ति का स्थान बन जाता है। जैसे बड़ और पीपल के फल को देखें तो उनमें तो अंदर बहुत से छेद बने होते हैं और हर छेद में एक के पीछे एक बहुत सारे जीव निकलते रहते हैं। और जो जैसे गूलर होता है, गूलर को अगर तोड़े तो उसमें मच्छर जैसे जीव होते हैं। हमने एक बार गूलर तोड़ा, समेत शिखर पर भगवान आदिनाथ की टोंक पर हमारा जाने का मौका जब पड़ा तो हम उधर से ऊपर जा रहे थे तो एक पेड़ वहाँ लगा हुआ है गूलर का, उसमें से कुछ गूलर नीचे टूट के गिरे। हमने वहाँ एक को तोड़ के देखा, तोड़ा, उसमें से 25-50 मच्छर एकदम निकल के उड़ गए। तो अब उसमें से मच्छर तो उड़ गए, अब तो उसको खा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, जो मच्छर पूरे थे वो तो उड़ गए, अब जो अधूरे मच्छर हैं अभी वो तो उसमें बहुत सारे हैं, छोटे हैं, या अभी जो पूर्ण पर्याप्त होकर नहीं निकले वो तो मौजूद हैं अभी, इसलिए उनके खाने में तो हिंसा ही हिंसा है। आचार्यों ने जो भी लिखा है शास्त्रों में वो बहुत अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा लिखा है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मध्यमास मधु और उदम्बर फलों का त्याग तो जैनी मात्र के होना चाहिए। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर एक, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन, डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन USA, अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन USA, विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार, राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन, श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई।
गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी, स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत माता श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी वड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84 मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटनी, पत्नी, स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।